नमो नमः, आपका स्वागत है वैदिक जीवन यूट्यूब चैनल पे। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पे तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जो है उसको ज़रूर दबाइएगा। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं फेसबुक या इंस्टाग्राम पे तो हमारे पेज को फॉलो कीजिए, और वीडियो अगर अच्छा लगे आपको तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आज के इस विशेष वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एक अनबॉक्सिंग, जिसमें सारे पुराण, सारे तो नहीं कुछ कम है इसमें, बट इसमें जो सारे पुस्तकें हैं वो पुराण हैं। तो ये पुराणों वाला अनबॉक्सिंग है और इसमें मुझे मिला है 20% का छूट, 20% का डिस्काउंट। तो आपको जानना है कि आपको कैसे मिलेगा 20% का छूट, तो उसको जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस अनबॉक्सिंग को। तो मैं कट करता हूँ इसको। तो अभी मेरे पास 18 में से लगभग 14 पुराण हो चुके हैं, तो 4 पुराण बचे हैं, जल्द वो भी इसकी भी अनबॉक्सिंग मैं दिखाऊंगा आपको। तो ये है स्पेशल अनबॉक्सिंग, विशेष अनबॉक्सिंग, जिसमें है केवल पुराण, और उसमें एक पुस्तक और अलग है। वो हमारे एक सब्सक्राइबर थे जिनको वो पुस्तक का अनबॉक्सिंग देखना था, रिव्यू देखना था, तो उसको भी मैंने इसमें ऑर्डर किया है, तो वो भी मिलेगा। तो चलिए देखते हैं आगे। मैं इस कार्टून को हटा लेता हूँ सब। पैकिंग बहुत अच्छी है गीता प्रेस की, प्लास्टिक के अंदर, कार्टून बॉक्स के अंदर में पॉलिथीन में पैक रहता है सारा बुक, जिससे कि ये गीला ना हो सके, किसी का कभी पानी पड़ जाए तो। तो ये है सारी पुस्तकें। तो मैं जल्दी से दिखा देता हूँ क्या क्या हैं। तो ये देखिए, एक पुस्तक है देवी भागवत कथा सार। तो ये सारी पुस्तकें, इसका अलग से मैं वीडियो बनाऊँगा, तो जुड़े रहिए चैनल से। तो ये है देवी भागवत कथा सार, इसको साइड में रखते हैं। फिर है ये द्वादश ज्योतिर्लिंग, पुस्तक का कोड है 2155। तो इसमें ज्योतिर्लिंगों के बारे में, जो 12 ज्योतिर्लिंग है या द्वादश ज्योतिर्लिंग, उसके बारे में। तो सारे पुस्तकों के ये रिव्यू, सारे पुस्तकों के वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा, तो जुड़े रहिए। तो देखिए सुंदर कांड है। तो राउंड फिगर जो बिल मेरा बना था, उसको राउंड फिगर करने के लिए मैंने इसे ऐड करा दिया था। तो ये 5 पीस है सुंदर कांड, 1583, पुस्तक का कोड है। फिर आगे ये शिव पुराण कथा सार, पुस्तक का कोड है 2189। चलिए देखते हैं आगे। और यह है वैशाख कार्तिक माघ मास महात्म्य, पुस्तक का कोड है 1136। तो सारे पुस्तकों का मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, इसके अंदर जो विषय वस्तु है उस पर भी शॉर्ट्स और लॉन्ग वीडियोस बनाने वाला हूं। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल से। एक एक पुस्तक है ये, जो चित्रांक एक सीरीज है, चित्रांक है जो गीता प्रेस का, जिसमें चित्रों के दिखता है पुस्तकों में, उसी में से ये पुस्तक है नवग्रह। नौ ग्रहों के बारे में एक पन्ने में दिया हुआ है, उनका चित्र है, तो इसको भी देखेंगे आने वाले वीडियोस में। पुस्तक का कोड है 1018। और ये है भगवान सूर्य, पुस्तक का कोड है 868। ये भी चित्रांक सीरीज का पुस्तक है। तो चलिए पहले ये देखते हैं। ये है कुर्म पुराण, हिंदी अनुवाद सहित, पुस्तक का कोड है 1131। यह है कुर्म पुराण, हार्डबुक बाइंडिंग में है। तो चलिए सभी पुस्तकों का अलग से वीडियो रहेगा, आप जुड़े रहिए हमारे चैनल से। ये दूसरा पुराण है गरुण पुराण, पुस्तक का कोड है 1189। सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी, ये केवल हिंदी में है, इसमें संस्कृत नहीं है, केवल हिंदी में है ये पुराण।
तो चलिए ये है पुस्तक, दूसरी पुस्तक देख लेते हैं। यह है श्री वराह पुराण, पुस्तक का कोड है 1361, केवल हिंदी, सचित्र, मोटा टाइप। फिर अगला पुराण है श्री विष्णु पुराण, पुस्तक का कोड है 1364, सचित्र, मोटा टाइप, केवल हिंदी। फिर अगला पुराण है श्री वामन पुराण, सचित्र हिंदी, अनुवाद सहित, इसका मतलब इसमें संस्कृत या संस्कृत हिंदी अनुवाद के साथ है। पुस्तक का कोड है 1432। ये हमारी पुस्तक, सभी पुस्तकों का अलग से वीडियो रहेगा विस्तार से, आप जुड़े रहिए हमारे चैनल से। ये श्रीमद् भगवद् गीता, ये वो पुस्तक है जिन्होंने, एक सब्सक्राइबर थे वो चाहते थे इस पुस्तक का रिव्यू, तो उसी लिए मैंने मंगाया है, तो जल्दी इसका वीडियो भी आएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। फिर है मत्स्य महापुराण, पुस्तक का कोड है 557, सचित्र हिंदी, अनुवाद सही, इसका मतलब इसमें संस्कृत है और इसका अनुवाद भी है। फिर ये अगला पुराण है श्री शिव महापुराण, और ये दो खंडों में है, दो भाग हैं इसके। ये देखिए, ये प्रथम खंड है पूर्वार्ध, ये उत्तरार्ध द्वितीय खंड, तो दो खंडों में है ये। हिंदी व्याख्या सहित, इसका मतलब इसमें श्लोक है, मूल श्लोक है, संस्कृत के श्लोक हैं इसमें, तो इन दोनों को भी रखते हैं इधर। फिर ये है अग्नि पुराण, पुस्तक कोड है 1362, मूल संस्कृत का हिंदी अनुवाद, तो इसमें संस्कृत अनुवाद दोनों हैं, तो देखेंगे हम लोग। सारे पुराणों के वीडियोस अलग से मिलेंगे आपको विस्तार से, तो जुड़े रहिए हमारे चैनल से। अगर वीडियो अच्छा लग रहा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और घंटी जो आती है सब्सक्राइब के बगल में, घंटी दबाना ना भूलें, क्योंकि काफ़ी सब्सक्राइबर घंटी दबा नहीं रखे हैं, तो उस वजह से उनको नोटिफिकेशन नहीं मिल पा रहा है, तो आप घंटी जरूर दबाएं और ऑल जो लिखा है उस पर टैप करें, जिससे कि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिले। तो ये है स्कंद पुराण, पुस्तक का कोड है 279। तो ये है संक्षिप्त स्कंद पुराण, इसमें कुछ लिखा नहीं है, चलिए देख लेते हैं अंदर में क्या है। ये केवल हिंदी में है। स्कंद पुराण इस प्रकार से आप देख सकते हैं, मैं फिर से रख देता हूं, ये स्कंद पुराण, ये अग्नि पुराण, ये शिव महापुराण, दोनों खंड, ये फिर है मत्स्य महापुराण, इसको मैं यहां रख देता हूं, ये श्री वामन पुराण, श्री विष्णु पुराण, श्री वराह पुराण, और ये गरुण पुराण, और ये कुर्म पुराण। इसके साथ कुछ पुराण मैंने और पहले कुछ दिन पहले लिया था, तो उसका भी मैंने वीडियो अभी अपलोड नहीं किया, जल्दी उसका भी करूँगा। तो दूसरा पुराण आप देखिए, ये है महाभागवत देवी पुराण, इसको भी मैं रख देता हूँ। फिर ये मार्कंडेय पुराण, इसका मैंने वीडियो अपलोड कर रखा है, उसको देख सकते हैं आप। फिर ये है ब्रह्म पुराण, फिर ये पुराण है श्रीमद् देवी भागवत महापुराणम, ये मूल मात्र ही, यानी पूरा संस्कृत में है।
फिर ये है श्रीमद देवी भागवत महापुराण, ये दो खंडों में है सरल हिंदी व्याख्या सहित। दूसरा खंड भी मैं दिखाता हूँ आपको। तो ये प्रथम खंड है, ये द्वितीय खंड है। तो ये पुराण है, फिर ये है श्रीमद देवी भागवत, ये केवल हिंदी में है मोटा टाइप। तो इस प्रकार से मेरे पास ये जो पुराण अभी तक हैं वो मैंने गिने नहीं है, मुझे लगता है ये 14 या 15 होगा, 2-3 ही पुराण बचे हुए हैं। तो जल्दी ही मैं उसको भी लाने वाला हूँ, उसका भी वीडियो बनाऊँगा। तो ये था मेरा पुराणों का कलेक्शन। तो कैसा लग रहा है आपको वीडियो, तो कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताएं, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। वीडियो अच्छा लग रहा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि ये वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे। और जल्द ही इन सभी पुराणों पे मैं वीडियोस, शॉर्ट्स, लॉन्ग वीडियोस बनाने वाला हूँ, तो आप चैनल से जुड़े रहिए। और कोई भी मन में प्रश्न है, सुझाव है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपने अगर वीडियो यहाँ तक देखा तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। ऊपर आई बटन में मैं लिंक दे दूंगा, जितना भी मैंने गीता प्रेस का अनबॉक्सिंग या रिव्यू बना रखा है उसको ज़रूर देखिएगा। और इस चैनल पे जल्द ही गिव अवे चालू होगा, जल्दी जैसे हम लोग 1000 सब्सक्राइबर क्रॉस करते हैं, तो मैं इसके लिए आपसे अनुरोध कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हमारा सपोर्ट कीजिए, कि जिससे आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट मिले। और जब सब्सक्राइब करें तो घंटी को दबाना ना भूलें। अगर आपने घंटी सब्सक्राइब कर रखा है, घंटी प्रेस नहीं किया है, जो बेल आइकन है प्रेस नहीं किया है, तो उसको दोबारा प्रेस कर लें बेल आइकन को, जिससे कि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः। तो ये है मेरा पुराणों का संग्रह, आप देख सकते हैं कौन कौन से पुराण हैं। कुछ पुराण इसमें नहीं है, जल्द वो भी आने वाले हैं। और इन सारे का अनबॉक्सिंग रिव्यू आपको मिलने वाला है हमारे चैनल पे। हमारे चैनल से जुड़े रहें।